Please restrict yourself to 5 minutes. उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया. महोदय, सुबह से मैं भी सुन रहा, कुछ बात कहने से पहले मैं जरूरी सदन का ध्यान आकर्षित करना होगा. सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर एक जाति सिस्टम की है, जो वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है. हम लगातार प्रोविजन तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इस देश को, इस सबसे बड़े सदन को सोचना पड़ेगा. जब तक इस देश में जाति नामक संस्था रहेगी, तब तक ये देश एक वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक और समतापूर्ण समाज और देश नहीं बन सकता है. तो एक फैसला होना चाहिए हम सब लोगों को कि जब जाति उन्मूलन के लिए इस देश को आगे बढ़ना चाहिए. ये तो एक सीढ़ी है वंचित वर्गों के लिए. जब तक जातियां हैं, तब तक जाति व्यवस्था पीड़ित लोग रहेंगे और उनको रिजर्वेशन का अधिकार भी चाहिएगा. लेकिन हमको इस अधिकार से भी आगे एक जाति विहीन समाज की रचना करनी है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था. सरकार के द्वारा इस जो बिल लाया गया है, मैं इसके समर्थन के साथ, मुझे आज भी शंका हो रही है, क्योंकि 338 के साथ साथ आप आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 338B जोड़े हैं. उस बी जोड़ने में मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, आखिर हम क्यों इसको ला रहे हैं कि हम नेशनल बैकवर्ड कमीशन को भी संवैधानिक दर्जा जाना देना चाहते हैं, और उसी तरह से जिस रूप में SC कमीशन ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है. और मुझे अभी मैं रिपोर्ट देखता पुराने चेयरमैन साहब की, और मंत्री जी ने जरूर देखा होगा, 2015-16 की रिपोर्ट है नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन की, कि शेड्यूल कास्ट कमीशन की बाइंडिंग जो रिकमेंडेशन है वो दंड विहीन है, कोई मानता नहीं उसको. अगर टूथलेस है. सरकार जब इस बिल को लाई थी, इस आधार पर लाई थी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक मजबूत है, एक मजबूत संवैधानिक अधिकार है, और उसी सरकार ने अगर पुराने कमीशन 2015-16 की रिपोर्ट को माननीय मंत्री जी ने देख लिया होता, जिसमें कहा गया है कि ये बहुत ही दंडविहीन है, और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की तमाम रिपोर्ट्स को बाइंडिंग आधार मिलना चाहिए, मजबूत आधार मिलना चाहिए, वो संवैधानिक दायित्व अगर आप उस कमीशन को दे दें, तो मैं समझता हूं हम एक सार्थक दिशा की ओर बढ़ते. और यही होगा, आज हमने नेशनल बैकवर्ड क्लास को भी 338 ए के साथ साथ बी में शामिल कर लिया. उसकी भी रिकमेंडेशन वही होगी जो SC कमीशन की है, जो ST कमीशन की है, और एक नया बैकवर्ड कमीशन भी बन जाएगा. दूसरी बात जो शंका आ रही है, तारे लोगों ने कहा कि स्टेट के अधिकारों को के हनन का तो अधिकार नहीं, कि राज्यों को जो बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई करने का अधिकार था उसमें कहीं कुठाराघात तो नहीं है. कह रहे कि नहीं नहीं, इस बिल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. मुझे लगता है क्योंकि जिस आर्टिकल में आप ला रहे हैं, संविधान की 341, 342 और 342 में 342A आप जोड़े हैं. SC और ST के लिए एक लिस्ट होती है, वो नेशनल लिस्ट होती है, वो राज्य की सरकारों के लिए भी मान्य है, वो केंद्र की सरकारों के लिए भी मान्य है. वो लिस्ट केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए भी मान्य है, वो राज्यों के लिए भी मांग है. लेकिन BC के संदर्भ में पुराना कमीशन को, जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन था, वो राष्ट्रीय आधार पर लिस्ट को मंजूरी देता था, और स्टेट का अपना अलग कमीशन होता था. इसलिए शंका जरूर होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन अगर कोर्ट में भी जाएगा, आप संविधान के जिस भाग में 341, 342, 342 ए को जोड़े हैं, वो एक लिस्ट की कल्पना करती है. और इसलिए इसको भी सरकार को, मंत्री जी को जब इसका जवाब देना होगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि राज्यों के जो अपने अधिकार हैं, जो अपने बैकवर्ड कमीशन, अपने राज्यों की सूची बनाने का अधिकार है, वो सूची सुरक्षित रहे. क्योंकि ये सिर्फ बैकवर्ड कमीशन के मामले में है कि दो सूचियां हैं, एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है. मैं अपनी बात दो मिनट जी, मैं बस नो टाइम लेट फॉर योर पार्टी. मैं एक अंत में एक बात कहते हुए, जो नई बात ये, इसमें कोई नई बात नहीं हो रही थी. इंदिरा साहनी के मामले में जो कमीशन बना था, उस कमीशन के आधार पर ही लिस्ट के अनुकूल थी, और उसमें जो कमीशन का कंपोजिशन था
उस कंपोजिशन को आप बदल रहे हैं। वहां पर चेयरमैन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे और यहां पर आप उसको एक्ट में प्रोविजन नहीं कर रहे हैं, वो आप उस प्रोविजन को रूल और रेगुलेशन में डाल रहे हैं। हमको शंका हो रही है। कमीशन एक तरफ आइडेंटिफाई करता था, देश सुनता था, अब यह अधिकार सरकार के हाथ में ले रहे हैं। पार्लियामेंट के आधार पर आप सरकार के हाथ में ले रहे हैं और गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत सी जातियां जो ओबीसी मानना चाहती है, आप देश के अंदर ओबीसी जातियों के अधिकारों को छीनने का प्रश्न कर रहे हैं। मुझे इस बिल के पीछे यह भी मंशा लगती है। जय जय भारत।